हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग जस्ट फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नैक के बारे में कि नैक क्या है और किस तरह से ये काम करता है, और कॉलेजेस जो होती हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, इनको जो है नैक ग्रेडिंग क्यों दिया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो तमाम जो बातें हैं इस पर डिस्कस करेंगे नैक के बारे में, साथ ही पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को क्या ग्रेडिंग मिला है, और इसके कॉलेजेस वगैरह जो हैं, जैसे कि मगध महिला हो गया, पटना वुमेंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, और भी जो कॉलेजेस हैं, तो उसका जो क्या ग्रेडिंग है, ताकि एक तरह से जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझने में आसानी हो कि कौन सा कॉलेज है जो नैक के ग्रेडिंग सिस्टम में काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छे स्थिति में है, ताकि वो एक तरह सा आइडिया लगा सके कि कॉलेज जो है उसकी स्थिति क्या है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइज, तमाम जो बातें हैं होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो यहाँ पे मैं आपको देते रहता हूँ। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका जो फुल फॉर्म है, एंड साथ ही जो है इसकी स्थापना 1994 के अराउंड हुई थी। इसका जो काम होता है वो कॉलेज को ग्रेडिंग देना होता है कि हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं और 45,000 से भी ज़्यादा जो है कॉलेजेस हैं, तो एक तरह से उनका मापदंड तय करने के लिए या उनका जो है क्या क्वालिटी है या किस तरह का कॉलेज है पता करने के लिए नैक जो है उन लोगों को ग्रेडिंग देती है। बात कर लेते हैं कि नैक का क्या काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिटी मेजर करना कि किस तरह का जो है वो क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कॉलेज में, और दूसरा है ये लोग एडवाइस वगैरह भी देते हैं कि आप क्या क्या जो है वो आप ठीक कर सकते हैं या कहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। नैक जो भी होती है CGPA के तौर पे कॉलेज को पॉइंट्स देती है। फॉर एग्जांपल चार जो पॉइंट्स होता है, चार CGPA होती है, पहलुओं पे ये ध्यान देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे टीचर कैसे हैं, क्वालिटी कैसा है, और क्या उस कॉलेज के पास वो सब कुछ है जो एक कॉलेज के पास होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको कोई भी समस्या ना हो पढ़ाई के मामले में या किसी भी तरह के मामले में, और साथ ही साथ इनका जो है रिसर्च कैसा है, रिसर्च होता है कि नहीं होता है, या प्रीवियस में कैसे रिसर्च हुए थे, तो तमाम पहलुओं पे जो है वो आपका जो नैक की टीम जो आती है कॉलेज में वो देखती है, और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको CGPA मिलते हैं। 4 CGPA जैसे टोटल होते हैं, और उसमें जो है वो आपको तमाम जो ग्रेडिंग के हिसाब से जैसा मिलता है आपकी वैसी ग्रेडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं कि नैक का जो आपको होता है, सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जो अप्लाई करना होगा कि हाँ हमारे जो कॉलेज है वो नैक का कह सकते हैं इंस्पेक्शन, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो करवाना चाहती है। फिर आपका जो है वहाँ पे सारा जो चीज़ वहाँ नैक की टीम देखेगी कि हाँ यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है, और उसके बाद जो है वो दो टीम भेजती है एक दिन या दो दिन के लिए, और जो टीम वहाँ पे जाती है और सारे पहलुओं पे वो लोग ध्यान देते हैं, सारे पहलुओं पे देखते हैं कि हाँ कैसा किस तरह से पढ़ाई चल रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च जो भी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई वो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे देखते हैं, ताकि उनका जो पॉइंट्स वगैरह है उसके बाद कुछ हफ्ते बाद वो जो है वो पॉइंट्स जारी कर दिया जाता है। अगर कोई भी कॉलेज संतुष्ट नहीं है तो उसको चैलेंज कर सकता है फिर से, उसके जो कह सकते हैं कि आपका फिर से आपको जो उस पर विचार विमर्श हो सकता है, तो ऐसा। और बता दो कि जो भी होता है नैक का जो ग्रेडिंग वगैरह या जो भी है वो 5 साल पे होता है। 5 साल के बाद जो है वो कोई भी फिर आप नैक की टीम आएगी या सब कुछ जो जैसे भी चीज़ें हैं वो फिर से होगा। कोई भी कॉलेज का एलिजिबिलिटी ये होता है कि उसका कोई भी जो है 6 साल पुराना कॉलेज हो, साथ ही साथ उसके जो 2 बैच जो है वो पढ़ाई करके वहाँ पे पास आउट हो चुके हों स्टूडेंट, वो जो ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एलिजिबल होती हैं नैक के लिए। जो है ग्रेडिंग सिस्टम वो हर कॉलेज के लिए कंपलसरी है, उनको करवाना ही करवाना पड़ता है। आप ऐसे नहीं करवाओगे तो रद्द भी हो सकता है, और एक तरह से ये एक पैमाना होता है किसी भी कॉलेज के लिए कि जो भी स्टूडेंट है मान लीजिए उनको नहीं पता है, लेकिन वो ग्रेडिंग के हिसाब से वो अपना एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलेज है किस तरह की जो है वहाँ पे सुविधाएं मिलेगी। अगर कोई कॉलेज A++ है तो वो बहुत ही अच्छा है, A+ है तो वेरी गुड, मतलब एक चार्ट वगैरह आता है जैसे कि A B फिर B++ ऐसे करके, वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पता चल जाता है कि कॉलेज की क्या स्थिति है। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा है जिससे कि जो भी स्टूडेंट अगर नहीं जानते हैं तो हाँ ग्रेडिंग के नैक ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकें कि इस कॉलेज की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ऑलराइट गाइस, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की कि नैक क्या है और उसका काम क्या है और किस तरह से ये काम करता है, और इसी पे बात को बढ़ाते हुए जैसे कि मैंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में मैं यहाँ आपसे बातें करूँगा कि पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को क्या ग्रेडिंग मिला है, और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी को क्या ग्रेडिंग मिला है नैक की तरफ से।